मैं जानती हूँ राजा, आज बाबूजी की बातों से तुम्हारा दिल टूट गया है, मगर हिम्मत हार कर बैठ जाओगे तो आगे आने वाली मुसीबतों का सामना कैसे करोगे? अरे बात अगर सिर्फ मेरी होती तो मैं हंसी में उड़ा देता, मगर मेरी वजह से बाबूजी और माँ जो अलग हो गए ना, ऐसा लगता जैसे शरीर के दो हिस्से हो गए हों। सबर करो राजा, और किया भी क्या जा सकता है, जो कहूंगा करोगी? वापस लौटने के अलावा जो कुछ भी कहोगे करूंगी। ठीक है, कूद जाओ इस नदी में। बस इतनी सी बात? अरे अरे ये क्या कर दिया इस लड़की ने? अरे ये क्या नया नाटक हो रहा भाई? छोड़ के पता था कि तुम कूद जाओगी, मैंने सोचा कि तुम नाराज होकर घर चली जाओगी। देखो उसी जो आकर शादी में तुमने गड़बड़ की थी ना, उसी कारण मुसीबत उठानी पड़ रही है। और उस पगली के साथ शादी हो जाती तो अब तक तुम भी पागल हो गए होते। वो चलता था मुझको, कम से कम मेरे माँ बाप तो अलग नहीं होते। तुम क्या समझते हो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है? ये देखो जहर। हाँ, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे बाबूजी के पास जाऊंगी और कहूंगी कि आप अपनी पत्नी और बेटे को वापस बुला लीजिए, मैं राजा की जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ, और फिर कहीं जाकर मैं ये जहर पी लेती